दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कर रहे हैं अपना 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसे बोलता है कि हमारे पास एक क्या है, क्यूबिकल बॉक्स। क्या है? क्यूबिकल बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत थी? अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें से क्या करा आपने, अच्छा लकड़ी का है, ठीक है, वुडन का है क्यूबिकल बॉक्स, उसमें से आपने ऊपर से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया कट करके। देखो दिख गया, अरे कट कर रखा ये देखो, ठीक है। हाँ, तो एक क्यूबिकल बॉक्स है वुडन का, उसमें से एक हेमिस्फीयर हमने कट करके निकाल लिया, ठीक है। और एक हिंट और बोल लो या खजाने की चाबी, कुछ भी है, जो भी है, बोल रहा है कि हमारे पास उसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो एल है, और वो जो एल है वो बराबर हमारे क्यूब के साइड के, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो हेमिस्फीयर का हमारा डायमीटर होगा, ठीक है, वो एल दे रखा है, और वो बराबर भी है किसके, क्यूब की साइड के। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि भाई जो डायमीटर ऑफ एल है, ठीक है, ये एल, ये भी एल, मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू एल, दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, बराबर। डायमीटर, तो डायमीटर भी एल है हेमिस्फीयर का और साइड भी एल है उसकी, क्यूब की, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, एक ही क्वेश्चन आता है उसको 13.1 में, उसको एक ही क्वेश्चन आता है पूछना, क्या आता है, वही सवाल पूछता है भाई बार 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 बार, क्या, एरिया बताओ, एरिया बताओ यार, सिंपल सी बात है, कट करा है, निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हाँ बोलो, अरे बोलो, कि हम पेंट करेंगे ना कि एरिया निकालेंगे। हाँ, ये तो अपने आप निकल जाएगा, पेंट देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कभी भी आपको बोले एरिया निकालने के लिए, तो आपको वहां देखना है कि कहाँ कहाँ हम पेंट करेंगे। तो देखो अभी कहाँ कहाँ पेंट करोगे, देखो मैंने कर रखा है ये जो रेड है, ये पूरा रेड देखो, ये तो क्यूब पे हो गया, देखो क्यूब पे हो गया। अंदर हेमिस्फीयर में भी करोगे, यहां भी तो पेंट करोगे, यहां करोगे, यहां करो, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां, 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 मतलब पूरे क्यूब पे तो करोगे, ठीक है भाई। अच्छा यहां भी तो करोगे हेमिस्फीयर पे, अच्छा ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पेंट होगा, जो ये ग्रीन ग्रीन जो भी है, ये कलर और रखा है, ये भी हमारा एड होगा, ठीक है, यहां भी पेंट करेंगे। पर एक दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है, जब आप पूरे क्यूब पे पेंट करोगे ना, तो ये सर्कल दिख रहा है ना, देखो यहां पेंट नहीं होगा, देखो अगर यहां, देखो यहां पूरे पेंट किया, हाँ पूरे पेंट करा भैया, अगर यहां इसकी बात करें तो यहां क्या हो रहा है, ये जो चार कोने दिख रहे हैं आपको, यहां यहां पेंट हो रहा है, यहां बीच में से ये सर्कल कटा हुआ है, तो यहां रेड कलर नहीं होगा, समझ गए, है ना, तो यहां रेड कलर नहीं होगा। तो करना क्या भैया, कुछ नहीं करना है, तो पूरे जो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूब है, उसमें से ये सर्कल को माइनस कर देंगे, उसमें सर्कल को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा पूरा क्यूब का जो रेड वाला कलर है ना, हमने जो रेड पेंट कर रखा है, ये तो आ जाएगा। पर हमें ये भी देखना है, हमें अंदर भी कलर करना है, तो अंदर क्या है, हेमिस्फीयर जो ग्रीन कलर हो रखा है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमने करा था टोटल सरफेस एरिया क्यूब में से ये सर्कल माइनस करेंगे, ठीक है, वो रेड का निकल जाएगा, अब प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से ये सर्कल माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है कोई दिक्कत, अरे बोलो, अरे बोलो, है कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मेलिटीज के लिए अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया है, ठीक है, तो देखते हैं, तो पढ़ देते हैं यहां फटाफट। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block. ठीक है, एक hemispherical का मतलब है, सिंपल सी बात है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है, सिंपल सी बात है कि क्यूब में से हेमिस्फेयर निकाल दिया, क्यूब वुडन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. ठीक है, डायमीटर L है ना, इसका डायमीटर होगा L कोई, ठीक है, अपना हेमिस्फेयर का, वही हमारी साइड होगी क्यूब की, एल, ये भी एल और ये भी एल, लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ कि ये डायमीटर एल है और ये साइड भी एल है, ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर, ठीक है, जो बच गया आपको उसका एरिया निकालना है, हमें पता है, हमें पेंट कर देगा उसमें क्या, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पर इससे पहले हमें काम करते हैं, क्या करते हैं, हमें निकालना है, क्या है, हम वो लिखते हैं ना इधर, है ना, ताकि हमें आइडिया लग जाए हमें क्या क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा
क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या टोटल सरफेस एरिया, बोलो हाँ बोलो, टोटल सरफेस एरिया क्यूब में से माइनस करेंगे सर्कल का एरिया, प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बोलो। तो देखो तो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, होता है 6a2। अच्छा भैया a क्या है, a क्या है हमारी साइड ऑफ द क्यूब, कितनी है l है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, l ही तो है, तो a की वैल्यू क्या है l, क्यों, क्योंकि a क्या है साइड ऑफ द क्यूब, और साइड ऑफ क्यूब क्या है इसमें l, तो a is equals to l, तो a किसके बराबर है, l के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूला है ना, ठीक है। फिर माइनस करना है हमें सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया करता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई फिर एड क्या करना था, बोलो, कर्ण से मेरे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या होता है, ये होता है हमारा प्लस 2πr², ठीक है, ऐड कर देंगे कर्ण से मेरे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो चाहिए क्या क्या अपने को, चाहिए क्या क्या अपने को, ए चाहिए, ए क्या है साइड ऑफ द क्यूब, वो क्या एल, बता चुका हूँ मैं आपको, तो जो ए है वो तो एल के बराबर ही हो गया। अच्छा भाई अच्छा रेडियस देखते हैं, रेडियस क्या है, रेडियस ये रेडियस, ये रेडियस बराबर ही तो है, ये सर्कल के हेमिस्फीयर की, देखो ना यार, देखो ये सर्कल और यही तो हेमिस्फीयर है, बराबर ही तो है रेडियस दोनों की, मतलब एक की निकाल लो बराबर है, मतलब ठीक है, सर्कल हेमिस्फीयर की, ठीक है। अच्छा तो पर भैया हमें तो डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कैसे निकालने, इसका हाफ कर दो यार, डायमीटर का हाफ क्या होता है, बोलो, रेडियस होता है ना, डायमीटर क्या है एल है, तो एल का हाफ कर दो, क्या बन जाएगा ये रेडियस, क्या बन जाएगा रेडियस, याद आ चुका है, बस सब कुछ मिला है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार यहाँ फॉर्मेलिटीज के लिए लिख लेते हैं। अच्छा आपने एक बात नोटिस की है, हमने थोड़ा आज डिफरेंट कलर का यूज करके डायग्राम बनाया है, देखो अलग अलग अतरंगी है, अतरंगी तो क्या है, रेड है, ब्लैक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव सा लगता है यार, वरना सारा ब्लैक ब्लैक थोड़ा बोरिंग होता है ना। और हाँ भाई मैंने तो बहुत रखते हैं यार ये छोटी दफ्तर डायग्राम बनाने में, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी इतनी प्रॉपर, मतलब मेरी उसमें मैंने इतना प्रॉपर कभी बनाया नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिए करता हूँ, सब करना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा ना, मजबूरी है, छोड़ो यार मैं बकवास करने लगता हूँ बिजली की, छोड़ो यहाँ देखो यार, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि जो हमारा डायमीटर है या जो रेडियस है, रेडियस लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू एल बाय टू। अच्छा भैया यहाँ सेंटीमीटर मीटर लगाओगे नहीं, अबे देखो यार यहाँ आपने कुछ बोला ही नहीं है ना, ये खाली एल दिया है, देखो मैंने यहाँ खाली एल लिखा है, पर लेंथ मीटर सेंटीमीटर में होती है, तो देखो कुछ यूनिट तो होगी ना इसकी, वो हमें दी रखी है, तो हम क्या लिख देंगे, यूनिट, क्या लिख देंगे, यूनिट, हाँ क्या लिख देंगे, यूनिट, अरे कुछ यूनिट होगी ना यार, मान लो सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, हमें पता नहीं है, क्यों मैं दे नहीं रखी ना, तो हमने लिख लिया यूनिट होगी, होगी तो लिख लेना, कोई तुम्हें पता लगे तो लिख देना सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, दे रखी है तो हम यूनिट लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अब साइड ऑफ क्यूब क्या है, ठीक है, लिख देते हैं साइड ऑफ क्यूब कितना है एल, यूनिट लगा लेना इसमें, ठीक है, क्योंकि भाई देखो वही बात है, दे रखा है तो हम यूनिट लगा लेंगे, कि अगर होगी तो कुछ तो उसका होगी, देखो बिना यूनिट के तो कुछ होगा नहीं, यूनिट होगी, अब दे रखी तो हमने खाली यूनिट लिख दिया, ठीक है, हमें क्या पता सेंटीमीटर है मीटर है, ठीक है, समझ समझ गया, हाँ समझ गई। तो लिखते हैं तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बोलो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस कर देंगे, क्या लिख दिया है, क्यूब इस पर लिख दी आती आती है यार, कभी कभार देखो कोई बात है इंसान से गलती होती है, ठीक है, छोड़ो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहां भी ये नहीं निकाल, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ हम हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सी एस ए ओ हेमिस्फीयर, ठीक है, तो बस लिखा हो तो वो यहां लिखो, खत्म करो यहां से, स्टार्ट करते इसको, तो हमारे इक्वल्स टू ये क्या आएगा, टी एस ए ऑफ क्यूब, बोलो टी एस ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा 6a², ठीक है भाई। अच्छा माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर,
5 स्क्वायर बोलो 2πr² है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6a² एज इट इज, क्यों अब ये बी ए स्टार्ट कर रहे ना पहले, तो -πr² प्लस 2πr² कितना हो चुका है हमारा, प्लस πr² कितना हो गया, प्लस πr². अच्छा देखो काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, ये -πr² प्लस 2πr² क्या है, देखो बताने का तो मैं बता दूंगा भाई, ठीक है ये कैसे आया है यहाँ πr² पर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर किसी को डाउट आया, कोई वीडियो देख रहा है तो डाउट आए वीडियो देखते वक्त के लिए πr² कैसे है इनको माइनस करके, तो कमेंट में लिख सकता है तो हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो ए क्या है हमारा साइड ऑफ क्यूब, क्या है भाई एल है, करो ना पूछो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिक्स है तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा भाई पाई, पाई एज इट इज, क्यों भैया, क्योंकि देखो आपकी एनसीईआरटी में इसका आंसर पाई की फॉर्म में ही दिया गया है, मतलब आंसर में पाई है, आंसर में पाई की वैल्यू पुट नहीं करी गई है, तो खाली पाई है तो हम भी पाई लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो रेडियस क्या थी हमारी L/2, तो ये L/2, अच्छा इसका होल स्क्वायर क्यों, दो है ना भाई इसलिए होल लगाया, अब कर देंगे स्क्वायर इसका, क्योंकि 6L² प्लस पाई, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4, है कोई दिक्कत नहीं। अरे तो हम क्या करेंगे, यहाँ एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों में है ना, तो कॉमन ले लेते हैं एल स्क्वायर, तो ये आएगा 6 + π/4, ठीक है। देखो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, या फिर आप यहां अंदर एलसीएम ले लो बुक में, वो भी है, ये भी कोई गलत नहीं है। तो यहां और में अगर एलसीएम ले तो एक आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये आंसर क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, तो जाएगा 24 + π, है ना, तो ये भी लिख सकते हो। अच्छा तो ठीक है, यहाँ एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है हमारा, यूनिट स्क्वायर में होता है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, तब यहाँ यूनिट नहीं है, तो यहाँ यूनिट है क्या, यूनिट यहाँ यूनिट ही है, तो यहाँ लिख देंगे सिंपल सी बात है कि यूनिट का स्क्वायर, और यहाँ भी लिख देंगे यूनिट का स्क्वायर, ठीक है भाई, है कोई दिक्कत। तो आपको समझ आ गया है आशा करते हैं हम ऐसी, तो आप ये नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ अरे बोलो बोलो।